देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट, न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में गुंदौली विलेज में महाकाली दर्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी का SRA प्रोजेक्ट बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। यहां पर जो विकासक है, यहां पर मदरसा था, वहां पर मदरसाए रहमानिया तालीमुल कुरान करके एक मदरसा था जिसमें बाद में नमाज पढ़ी जाने लगी। लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं उसको लेकर के, इसलिए हम खुद चर्चा करते हैं उसके जो अध्यक्ष है उनके साथ में। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क में। आप मुझे बताइए कि लोगों के मन में कई शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उसको लेकर के बताइए कि ये जो मस्जिद और मदरसा का डेवलपमेंट किया गया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये प्रोजेक्ट SRA का प्रोजेक्ट है जी, और ये महाकाली दर्शन का प्रोजेक्ट है, SRA का प्रोजेक्ट है, और ये हमने मस्जिद का जो एग्रीमेंट है 17 जुलाई 2018 में हमने बिल्डर से एग्रीमेंट लाया जी, और रजिस्टर कराने के बाद में हमारा हमने जो जो इसकी जो जो जिस तरह से बताया था बिल्डर को, और सारी एमिनिटी के साथ में पांच माले की मस्जिद हमको बिल्डर ने बना के दिया जी, और 32 से 35 मस्जिद बना के दिया। बिल्डर ने हमारी बात हर तरह से मानी है जी। अब ये प्रोजेक्ट तो ऐसा नहीं कहा था, हमारा तो प्रोजेक्ट है नहीं, अल्लाह ने जो करवाया हमारे हाथों से, अल्लाह ने जो करवाया चाहता अच्छे से अच्छा अल्लाह ने करवा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमारे सामने हो गया। आज ये प्रोजेक्ट खत्म होने में आया है, खत्म हो बिल्कुल, प्रोजेक्ट पूरा खत्म हो गया। अब वो बिल्डर ने हमसे मतलब बोला कि मतलब शिफ्ट करने का है, तो वो हिसाब से हमने SRA की प्रोजेक्ट दे, तो SRA ने मस्जिद शिफ्ट करो तो हो ही जी। हमने SRA को बोला, SRA ने मस्जिद शिफ्ट करके दे दिया जी। अपने कैमरा मैन से मैं कहूंगा कि मस्जिद को भी बीच बीच में दिखाते रहें, ताकि मस्जिद का निर्माण जो किया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मस्जिद का बाहर से नजारा और किस तरह से अंदर उसका निर्माण किया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्माण किया गया है। मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि वो दिखाते रहे। मुझे ये बताइए कि मस्जिद का जो निर्माण किया गया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मस्जिद का बेहतरीन एकदम बेहतरीन से बेहतरीन, जो ये चीज की निगरानी पूरी हमने, काम की निगरानी पूरी हमने करी है जी। पूरी 5000 स्क्वायर फीट और 20-20 फुट रास्ता छोड़ के और हाईवे से टच रखा है मस्जिद को हमने जी। रास्ता जो है हाईवे से टच रखा है, आज दूर से भी आपको मस्जिद की शक्ल दिखती है, पहले मस्जिद कहाँ की नहीं दिखती थी, अब दूर से भी आप देखोगे तो मस्जिद की शक्ल दिखती है। अल्लाह ने आज इतना बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट कर दिया, बिल्डर ने हमारे को इतना करके दे दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मतलब ये काम करवा लिया हमसे। हम क्या चीज है, छोटे आदमी हम क्या कर सकते, अल्लाह ने तौफीक दी, इतना बड़ा आसान इतना बड़ा काम हमने कर दिया। भाई मुझे ये बताइए कि मस्जिद में पहले देखिए किस कंडीशन में थी, वहां पर मदरसा जो लोग बच्चों को पढ़ाया जाता था ठीक ढंग से सुविधा नहीं थी, आज इतना भव्य मस्जिद और मदरसा वहां पर बना दिया गया है, तो पहले से और अभी में क्या अंतर आ पाता? सर वो झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी में कैसा किस तरह से लोग रहते, झोपड़े किस तरह के रहते, उस तरह की मस्जिद थी वो बिल्कुल। आज ये 5 माले की ग्राउंड प्लस फाइव मस्जिद बन के और फुल एमिनिटीज के साथ मस्जिद रेडी है जी, और प्लान के साथ में जी जो आप लोगों ने प्लान बताया था वो प्लान के साथ में बना के रेडी है जी। सारा जो काम हुआ सारा SRA के कानून के हिसाब से हुआ, ओसी प्लस ओसी के अपने पास ओसी है ना उसकी जी, अपने ओसी पर बिना बिना कानून के तो ओसी मिलती नहीं ना। बिल्कुल आज ओसी अपने पास ओसी करके ओसी अपने हाथ में है ना बिल्कुल, जो मतलब आपका कह रहे हैं मतलब जो गैर कानूनी था उसको आपने लीगलाइजेशन कर दिया, यानी कि जहां पे मतलब कि उसका कोई लीगल अप्रूवल नहीं था उसका, उस मदरसा को आपने लीगल कर दिया, पूरी तरह से वैध कर दिया। वैध मतलब आज एक्सटेंशन देखो ना, ग्राउंड प्लस 6 की मस्जिद और फुल एमिनिटी के साथ में रेडी है जी, और विद प्लान के साथ में जी। मतलब ये भी बहुत बड़ा वहाँ के लोगों के लिए सुविधा हो गई कि मतलब कि भाई आपका जो मदरसा जो मस्जिद थी वो उसके स्ट्रक्चर में उसको मान्यता नहीं थी, उसको गवर्नमेंट की पूरी तरह से मान्यता मिली। आप एक चीज प्रश्न उठता है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कि आखिर लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? अब गुमराह के देखो अच्छे बुरे लोग तो सब हर जगह होते ही है ना जी। अब गुमराह करने वालों को बोल नहीं सकते, उस पर कुछ कमी है तो कभी के लिए कोई बोलता नहीं, गुमराह करने के लोग जो गुमराह कर रहा है उसको हम क्या बोल सकते जी। हमने सुना कि जैसे कि मस्जिद पूरी तरह से बनी नहीं है, रोका जा रहा है, ये सब किया जा रहा है, तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका क्या उसमें मकसद हो सकता है? 5 ग्राउंड प्लस 5 बन के बिल्डिंग रेडी है जी। आपने देखे बात? मैं देखा बिल्कुल, पूरी बिल्डिंग रेडी है ना बिल्कुल, हमारे कैमरामैन दिखा भी रहे हैं जी, पूरी बिल्डिंग रेडी है जी, फुल एमिनिटीज के साथ में, जो जो एमिनिटी चाहिए वो एमिनिटीज के साथ में, वजू खाना, टॉयलेट, बाथरूम, हर चीज
और जो चाहे हमने वो बिल्डर ने हमको दिया जी, जैगवर के नल फिटिंग दिया, अच्छे से अच्छी फिटिंग अंदर दिया मस्जिद के अंदर जी, जी, जो हमको हमने चाहा बिल्डर ने हमको दिया, तो और हम क्या विरोध किस चीज का। मैं एहतसाम भाई ये जानना चाहूंगा कि जो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जो कौम है हमारी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। स्टेयरगेस 12 फुट का तो स्टेयरगेस दिया जी, दो दो स्टेयरगेस दिया मस्जिद में जी, वहाँ की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि वो समझदारी से काम ले। अरे जो भी आप लोगों को काम में कभी लग रही है इस वक्त जी, तो वो काम को हम बैठ के पूरा कर लेंगे बिल्डर से लेके, बिल्कुल आप साथ दो, हम जो आपको जो कमियां लग रही है उस चीज के अंदर, तो बिल्डर से हम उसको पूरा करवा लेंगे जी। अब जो भी काम होगा बैठ के अल्लाह करवा, अल्लाह ने इतना बड़ा काम करवा दिया तो वो भी काम आपके बोलने से हो जाएगा जी, जी। और आप तो अल्लाह पर भरोसा तो रखो कम से कम। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ में एहतसाम जी यहाँ पर बता रहे थे कि ये जो काम हुआ है पूरी तरह से कानूनन हुआ है, और वहां पर जो मदरसा मस्जिद चल रही थी उसको कानूनी जामा पहनाना बहुत जरूरी था। आज 5 महले का स्ट्रक्चर तैयार है, बहुत ही बेहतरीन सुविधाएं उसके अंदर डाली गई हैं। ये वहां की जनता, वहां के हमारे भाइयों के लिए किया गया है, और ये जो काम करवाया है इन्होंने पूरा श्रेय अल्लाह को दिया है कि अल्लाह की वजह से हुआ है, अल्लाह ताला ने करवाया है। कैमरा पर्सन शकील इदरीसी के साथ ओम प्रकाश मिश्रा, न्यूज़ फर्स्ट, मुंबई।